हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुकेश सजेशन में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आय प्रमाण पत्र को आपको कैसे बनाना है अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आय प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही सिंपल है। ये जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र से भी बहुत ही सिंपल है। आप किसी तरह से अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आय प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। तो लेकिन कैसे अप्लाई करना है, चलिए हम आप लोग को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप मत करें। तो आपको सर्च बार में आपको टाइप कर लेना है RTPS। तो जिस तरह से हम इस तरह सर्च कर लिए हैं, आपको RTPS सर्च करना है ये वाला लिख के। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा खुल के। आपको सबसे ऊपर ला देखिएगा, यहाँ इस साइड में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन दें। तो यहाँ से सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास देखिएगा तीसरा नंबर में ऑप्शन में आपको दिख रहा है आय प्रमाण पत्र, आपको इस पर क्लिक करना है। तब इस पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन खुल के आएगा, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा स्तर पर बनाना चाहते हैं, अंचल स्तर पर बनाना चाहते हैं कि अनुमंडल स्तर पर बनाना चाहते हैं कि जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं। तो जब आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको अंचल स्तर पर ही बनाना होगा, क्योंकि अनुमंडल स्तर पर बनाने के लिए आपको अंचल स्तर का बना हुआ जो सर्टिफिकेट है उसका इसमें नंबर खोजेगा। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर ही बनाना होगा, तो इस पर हम अंचल स्तर पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुलेगा। सबसे पहले यहाँ से जेंडर आपको बताना है कि आप पुरुष के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्त्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहले नाम लिखना है। नाम लिख के अगर स्पेस क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा। नाम लिख के स्पेस दाबिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा। अगर हिंदी का स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप यहाँ से गूगल इनपुट टूल का मदद से आप हिंदी को सुधार सकते हैं। यहाँ से फादर्स नेम, यहाँ से मदर्स नेम, यहाँ से हिंदी लिखना है, इस साइड इंग्लिश लिखना है, हिंदी चूँकि ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से हस्बैंड नेम, अगर किसी स्त्री का शादीशुदा महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो हस्बैंड नेम लिख सकते हैं। और यहाँ से आवेदन का मोबाइल नंबर, यहाँ से ईमेल आईडी, ये दोनों ऑप्शनल है, इसको लिख भी सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं। आगे आइएगा तो यहाँ से जिला आपको राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है, आगे फिर अनुमंडल सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। और यहाँ से पूछेगा कि आप कौन सा स्थान पर रह रहे हैं, ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, नगर निगम में रह रहे हैं, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से अगर नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखिएगा नगर निगम का कौन सा नगर निगम में आते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ से ग्राम पंचायत पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको पंचायत का नाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से वार्ड नंबर डालना होगा आपको, या तो ये तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से पंचायत का नाम, यहाँ से आप मोहल्ला का नाम डाल सकते हैं कि कौन सा गाँव कौन सा मोहल्ला से आप आते हैं। यहाँ से थाना सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें टोटल थाना दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से पिन कोड, यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए, जिनका कि अप्लाई कर रहे हैं उनका एक फ़ोटो अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इस तरह से फ़ोटो जो है 100 के बी से नीचे रहेगा, आराम से अपलोड हो जाएगा। यहाँ से पैसा बताना है उनका कि वो स्टूडेंट है, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, क्या है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आवेदक का उद्देश्य बता सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, कहाँ इसका यूज कीजिएगा। हालांकि इसको आप ऑप्शनल भी है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से तीन चार ऑप्शन और खुलता है, आपको इनकम बताना है कि आपका इनकम जो है कहाँ से है और कितना इनकम है। तो सरकारी सेवा से इनकम है तो आप इस बॉक्स में डालिएगा, और कृषि से इनकम है तो इस बॉक्स में डालिएगा, कोई बिजनेस आपका है तो इस बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो इस तीनों में से कोई नहीं है तो आप यहाँ से अन्य वाला में आप डाल सकते हैं। कितना इनकम है एक साल का आप वहाँ से लिख सकते हैं, आपका पारिवारिक के इनकम के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ से इस कैप्चा को भर के उसके बाद यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना है। आगे इस तरह का पॉपअप आएगा, आपको यहाँ से कर देना है ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ, हालाँकि लग रहा है मेरा जो कैप्चा है रॉन्ग हो गया था, इसलिए फिर से हम कैप्चा को चेंज करके फिर से डालते हैं। कैप्चा को फिर दोबारा डाल लिए हैं, उसके बाद यहाँ से करते हैं प्रोसीड पर क्लिक, उसके बाद फिर से करते हैं ओके पर क्लिक। ये देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। फिर आगे सब डिटेल को आपको वेरीफाई करना है, जो जो आप नाम लिखे हैं। उसके बाद यहाँ से करना है अटैच एनेक्चर पर क्लिक, आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप इस सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, इसमें से जो भी आपके पास है वो
अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आप जो है आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड 200 KB इससे नीचे रहेगा, आराम से ले लेगा इस तरह से। इसमें सिंपल सिर्फ आधार कार्ड जिनका बना रहे हैं उनका दोनों साइड का आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। यहाँ से सेव एंड एक्सचर पर क्लिक कर दीजिए, इस तरह से सेव हो जाएगा। अब आगे आपको करना है सबमिट पर क्लिक। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। इसमें एक डेट प्रिंट हो जाएगा, जिस डेट को आप इसमें जो डेट दिया जाएगा उस डेट को आप इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदक संख्या यहाँ पर दिया जाएगा, इस नंबर से आपको रिसीविंग को सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से उसी वेबसाइट पर जाना होगा, फिर से आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। इस बार देखिएगा यहाँ से इस साइड में आपको लिखा हुआ है मिल जाएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें पर क्लिक करना है आपको। यहाँ से आवेदक संख्या को डाल देना है कैपिटल लेटर में और यहाँ से नाम को इंग्लिश में टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।